Students, welcome to Green Hills Experimental School, the School of Excellence, Innovation and Research. This is your maths teacher. This topic has been taken from mathematics textbook of class 1st and it covers the syllabus for T2 examination. Please like and subscribe our channel so that you will be updated about new lessons. Students, open page number 119 of your mathematics textbook and your topic is numbers up to 100. तो बच्चों आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे आपके बुक पे पेज नंबर 119 पे मिसिंग नंबर्स का कंसेप्ट दिया गया है. मिसिंग नंबर्स जो कि आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है, तो यहाँ पे एक बार हम इसे फिर से क्लियर करेंगे. मिसिंग नंबर्स है क्या? सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे कुछ बॉक्सेस दिए गए हैं, तो यहाँ पे कहीं कहीं पे कोई कोई नंबर दिया गया है और कुछ बॉक्सेस यहाँ पे ब्लैंक्स है, ज़्यादातर बॉक्सेस यहाँ पे ब्लैंक है. तो पहला जो नंबर है वो है 1, उसके बाद 3 बॉक्सेस ब्लैंक है, तो यहाँ पे इनको हमें फिल करना है, हमें देखना है इन बॉक्सेस में क्या कौन कौन सा नंबर आएगा. उसके बाद 5 दिया गया है, उसके बाद फिर से कुछ बॉक्सेस ब्लैंक है, उसके बाद 10 है. इसी तरह से ये हमें सारा फिल करना है. तो सबसे पहले आप देखेंगे 1 है, तो बच्चों हमें यहाँ पे देखना है 1 के बाद क्या आता है. शाबाश, 1 के बाद 2 आता है, तो 2 के बाद 3, फिर 4, तो 4 के बाद आएगा 5 जो यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है, उसके बाद 6, 7, 8, 9, उसके बाद 10 जो दिया गया है वहीं से, उसके बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 दिया गया है वहीं से, 18, 19, 20. तो ऐसे ही आप ये सारा फिल करेंगे. तो यहाँ पे जो लास्ट वाला नंबर जो वहीं से दिया गया है वो हम देखेंगे, ये है 44. 44 के बाद क्या आएगा, 45, 46, 47, 48, 49, 50. तो यहाँ पे हमने देखा ये जो नंबर्स दिए गए थे ये है 1 to 50. तो बच्चों इसके बाद हम देखेंगे एक और कंसेप्ट दिया गया है पेज नंबर 120 पे, मेकिंग टेंस. तो यहाँ पे हम आपको ये क्लियर करेंगे. बच्चों आप देखेंगे यहाँ पे कुछ बंडल्स दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 बंडल्स दिए गए हैं. तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इन बंडल्स में कुछ स्टिक्स दिए गए हैं, तो हम इनको काउंट करेंगे इन बंडल्स में कितने कितने स्टिक्स इन्होंने दिए हैं. तो आप देखिए हम इसको ऊपर से काउंट करेंगे, क्योंकि ऊपर से हमें अच्छे से दिखाई दे रहा है, हम इनको ऊपर साइड से काउंट करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो यहाँ पे हमने देखा तो इस बंडल में, पहले वाले बंडल में 10 स्टिक्स है, ऐसे ही दूसरे वाले में भी 10 है, तीसरे वाले में भी 10, फिर फोर्थ में भी 10, फिफ्थ में भी 10. तो यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे इनका जो नंबर है इन बंडल्स का वो है 5, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5, और हर एक बंडल में 10 स्टिक्स है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 10s. जैसे पहले वाले बंडल में 10 है तो हो गया 10, उसके बाद दूसरे वाले बंडल में 10, 10 plus 10, 20, फिर 30, 40, 50, तो हम इनको लिखेंगे 5 10s. 5 10s means 50. तो इसका अगर हम 5 10s यानी कि 50 का प्लेस वैल्यू देखेंगे तो 1s की जगह 0 आएगा और 10s की जगह 5 आएगा. ऐसे ही राइट इसके नीचे दिया गया है नंबर्स फ्रॉम 51 टू 60. तो बच्चों आप देखेंगे ऐसे ही कुछ बंडल्स दिए गए हैं स्टिक्स के, 1, 2, 3, 4, 5, 5 बंडल्स है, और हर एक बंडल में 10 स्टिक है, 10 स्टिक्स है. और उसके बाद यहाँ पे 10 स्टिक्स, 10 5 बंडल्स के बगैर एक और स्टिक अलग से दी गई है, तो
तो अगर ये 5 बंडल्स है, हर एक बंडल में 10-10 स्टिक है, तो हो गए 10, 20, 30, 40, 50, हो गया 50। और उसके बाद अलग से एक स्टिक है, ये है 1, तो यहाँ पे आएगा 51। तो इसका प्लेस वैल्यू हम देखेंगे, 1s की जगह 1, 10s की जगह 5। ऐसे ही आप देखेंगे पेज नंबर 121 पे, एक और एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ। ऐसे 5 बंडल्स दिए गए हैं, ऐसे ही 10-10 स्टिक्स हैं पांचों बंडल्स में, तो हो गई 10, 20, 30, 40, 50। तो देखिए आप, यहाँ पे हम लेंगे 50 और उसके बाद अलग से 2 स्टिक्स, तो हो गई 2, 52। इसका प्लेस वैल्यू 1s की जगह 2, 10s की जगह 5। शाबाश। ऐसे ही फिर 5 बंडल्स और 3 स्टिक्स अलग से, तो हो गई 53। इसका प्लेस वैल्यू 1s की जगह 3, 10s की जगह 5। ऐसे ही 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। और बच्चों यहाँ पे पेज नंबर 122 आप देखिए, यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं और उनके नेम्स दिए गए हैं। जैसे पहला है 61 और उसका नेम जो है, नंबर नेम दिया गया है 61, SIXTY 60ONE 61। इसी के साथ इसका प्लेस वैल्यू भी दिया गया है, 1s की जगह 1, 10s की जगह 6 आएगा। ऐसे ही 62, इसका नंबर नेम, तो इसका प्लेस वैल्यू हमें देखना है, 1s की जगह यहाँ पे क्या आएगा, शाबाश 2, और 10s की जगह 6। ऐसे ही 63, इसका नंबर नेम नीचे दिया गया है और इसका ऐसे ही हमें प्लेस वैल्यू देखना है, 1s की जगह 3 आएगा और 6 की जगह, सॉरी 10s की जगह 6 आएगा। ऐसे ही 64, 1s की जगह 4, 10s की जगह 6। तो बच्चों ऐसे ही आपको ये अप टू 99 करना है। ऐसे ही पेज नंबर 122 है, 123 पे दिया गया है, आपको इनका प्लेस वैल्यू देखना है, सेम आपको ऐसे ही ये कंटिन्यू करना है। तो बच्चों अब आपकी एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो है, कलर द नंबर्स एंड देयर नेम्स इन द सेम कलर। तो बच्चों यहाँ पे आप देखेंगे कुछ नंबर्स दिए गए हैं और उनके नेम्स दिए गए हैं, और नंबर नेम्स दिए गए हैं तो आपको देखना है। जैसे आप देखेंगे पहला नंबर जो दिया गया है वो है 92। इसका फिगर्स में 92 है और वर्ड्स में भी दिया गया है एक बॉक्स में 92। तो जो हम ये फिगर्स में जो 92 दिया गया है, जो हम इसको कलर करेंगे, फॉर एग्जांपल हम कोई भी कलर लेते हैं, हम लेते हैं येलो, तो हम देखेंगे 92 वर्ड्स में कहाँ दिया गया है, हम वहाँ पे भी येलो कलर ही करेंगे। उसके बाद 92 के बाद 72 दिया गया है, 72 को अगर हम फॉर एग्जांपल ब्लू कलर करेंगे, तो हम देखेंगे वर्ड्स में कहाँ पे 72 दिया गया है। तो जैसा आप देखेंगे लास्ट भी 72 एक बॉक्स में दिया गया है वर्ड्स में, हम उसका भी ब्लू कलर करेंगे। तो जो यहाँ पे फिगर्स में दिए गए हैं वो वर्ड्स में भी दिए गए हैं, तो जो फिगर्स में हम कलर करेंगे वही हम सेम, वही हम उसी का जो वर्ड्स में दिया गया है उनका हम वही सेम कलर करेंगे। तो बच्चों इसी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी यहाँ पे दिया गया है, राइट द नंबर नेम्स। फिगर्स में कुछ नंबर्स दिए गए हैं तो आपको उनका नंबर नेम लिखना है, मतलब कि वर्ड्स में लिखना है। जैसे 58 है, वो हमें यहाँ पे वर्ड्स में लिखना है, 58, FIFTY 50, EIGHT 8, 58। ऐसे ही 71, SEVENTY 70, ONE 71, तो हमने यहाँ पे इसका नंबर नेम लिखा। ऐसे ही 66, 99, 32, 100। तो बच्चों यहाँ पे फिगर्स में दिए गए हैं, आपको वर्ड्स में ये फिल करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, मैच द फॉलोइंग। ऐसे ही जो हमने टेंस, वंस टेंस का कंसेप्ट पीछे से देखा, वही यहाँ पे सेम दिया गया है। तो बच्चों आपको देखना है, सबसे पहले 52 दिया गया है, तो उसका
प्लेस वैल्यू भी यहाँ पे दिया गया है, हमें उसकी प्लेस वैल्यू से इनको मैच करना है। जैसे पार्ट ए है 52, तो ये है यहाँ पे 52 मीन्स 5 tens and 2 ones, क्योंकि जो 2 है वो ones की जगह है यहाँ पे और 5 जो है वो tens की जगह है। तो 5 tens and 2 ones यहाँ पे आप देखेंगे बिल्कुल राइट साइड में दिया गया है एक ऑप्शन 5 tens and 2 ones ही इसके साथ मैच हो जाएगा। ऐसे ही 67 दिया गया है, आप देखिए 7 का वैल्यू यहाँ पे ones है और 6 का tens की जगह, तो 6 tens and 7 ones आप इसको इसके साथ मैच करेंगे। ऐसे ही 94 9 tens and 4 ones, 100 100 100, यहाँ पे 100 है इसके साथ मैच होगा। ऐसे ही 88 8 tens and 8 ones, 88 88 इसी के साथ मैच होगा। ऐसे ही फिल इन द सर्कल्स बाय काउंटिंग बैकवर्ड, कुछ सर्कल्स दिए गए हैं यहाँ पे ब्लैंक सर्कल्स, हमें यहाँ पे बैकवर्ड काउंटिंग करनी है। जैसे सबसे पहला जो नंबर दिया गया है वो है 100, 100 से पहले क्या आता है हमें यहाँ पे देखना है, उससे पहले क्या आता है, उसके बाद नहीं उससे पहले, तो हम इसको बैकवर्ड काउंटिंग कहते हैं। 100 से पहले 99 आता है, 99, तो 99 से पहले 98, 98 से पहले 97, फिर 96, फिर 95, 94, 93, 92, 91, बैकवर्ड काउंटिंग। तो बच्चों हम यहाँ पे देखेंगे कि एक और कंसेप्ट, हम यहाँ पे एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाते हैं। तो ऐसे ही देखेंगे बी, सबसे पहले 7 दिया गया है, तो 70 से पहले हम देखेंगे 69, उसके बाद 68 67 66 65 64 63 62 61। तो ऐसे ही सी पार्ट हम देखेंगे, हमें यहाँ पे पहला नहीं दिया गया है, दूसरा भी नहीं दिया गया है, तीसरा भी नहीं दिया गया, हमें यहाँ पे फोर्थ नंबर दिया गया है। तो फोर्थ नंबर जो है वो यहाँ पे 57 है, तो बच्चों 57, तो हम यहाँ पे देखेंगे 57, तो अब हम देखेंगे इससे पहले जो बॉक्स दिया गया है उसमें कौन सा नंबर आएगा। उससे पहले वाले बॉक्स में 58 आएगा, फिर उससे पहले वाले में 59, उससे पहले वाले में 60, तो फिर हम यहीं से देखेंगे 60, तो आ गया ये बैकवर्ड वर्जन में, या हम ये भी कह सकते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया। तो पहला जो है अब 60, उसके उससे पहले क्या आता है 59, उससे पहले 58, फिर यहाँ पे 57 जो दिया गया है वहीं से, फिर उसके उससे पहले 56 55 54 जो वहीं से दिया गया है, 53 52 51। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट कम्स जस्ट बिफोर द गिवन नंबर्स, सेम जैसे हम अभी बैकवर्ड काउंटिंग कर रहे थे ऐसे ही बच्चों यहाँ पे हमें देखना है, सेम यही कंसेप्ट है। पार्ट ए जो है यहाँ पे दो सर्कल्स दिए गए हैं, पहला मिसिंग है और दूसरा दिया गया है, दूसरा जो है वो है 79, तो यहाँ पे हमें देखना है 79 से पहले क्या आता है, 79 से पहले 78 आएगा। ऐसे ही दूसरा दिया गया है 64 बी पार्ट में, तो 64 से पहले 63 आएगा। ऐसे ही सेम बाकी पार्ट्स करने हैं, सी पार्ट जैसे 52 है उससे पहले 51 आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर द गिवन नंबर्स, तो बच्चों ऊपर हमने देखा व्हाट कम्स बिफोर, तो अब है व्हाट कम्स आफ्टर। यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं, हमें देखना है कि उन नंबर्स के बाद कौन सा नंबर आएगा, क्योंकि यहाँ पे है आफ्टर कि इनके बाद क्या आता है, पहले हमने देखा व्हाट कम्स बिफोर, इनसे पहले क्या आएगा, तो यहाँ पे हमें देखना है अब इनके बाद क्या आएगा। पहला पार्ट जो है वो है 91, तो इसके बाद क्या आएगा 92, शाबाश। ऐसे पार्ट बी 86, तो उसके बाद जो आएगा वो है 87,
इसके बाद दिया गया है 72, तो उसके बाद 72 के बाद आएगा 73। ऐसे बाकी पार्ट्स सेम करने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट कम्स इन बिटवीन द गिवन नंबर्स। तो बच्चों यहाँ पे ए पार्ट हम देखेंगे, एक नंबर दिया गया है, फिर एक सर्कल ब्लैंक रखा गया है, तो फिर एक और नंबर दिया गया है, तो हमें देखना है जो बीच में जो सर्कल ब्लैंक है, तो हमें देखना इन दो नंबर्स के बीच में क्या नंबर आएगा जो खाली इन्होंने जगह रखी है। पहला नंबर दिया है, फिर बीच में एक नंबर एक जगह छोड़ के दूसरा नंबर दिया गया है, तो हमें देखना है ये जो नंबर्स दिए गए हैं दो नंबर्स, इनके बीच में कौन सा नंबर आता है। तो पहले है 42 और 44 दिए गए हैं, हमें देखना है इनके बीच में कौन सा नंबर आएगा, वो है 43। ऐसे ही है 56 और 58 के बीच में कौन सा नंबर आएगा, 56, 57, 58। ऐसे ही है 51 और 53। तो बच्चों हमें देखना है इनके बीच में कौन सा नंबर आएगा, वो है 52। तो हम इसको पढ़ेंगे 51, 52, 53। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, यूज ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू साइन। तो बच्चों सबसे पहला जो पार्ट है वो है 72 और 79 के बीच में हमें देखना है कि कौन सा बड़ा है। ये जो आप देख रहे हैं ऊपर जो साइंस दिए गए हैं, तो हमें देखना है जो नंबर, जो भी नंबर यहाँ पे बड़ा है उसी की तरफ मूव करना है। मतलब जो यहाँ पे एक साइन दिया गया है, हमें इसको इसी की तरफ, जो नंबर बड़ा है इसी की तरफ इसको मूव करना है। जैसे 72 और 79 के बीच में 79 बड़ा है, तो हम इसको इसी तरफ मोड़ेंगे। ऐसे 92 बड़ा है, 53 छोटा है, तो हम यहाँ पे इसको ऐसे साइन करेंगे। इट मीन्स 92 इज ग्रेटर देन 53, 92 बड़ा है 53 से। ऐसे 64 और 86 बड़ा है, तो हम इसको ऐसे टर्न करेंगे। ऐसे ही 100 और 50 में 100 बड़ा है, तो हम इसको इस तरह से साइन करेंगे। तो बच्चों इक्वल यहाँ पे तो कोई नंबर नहीं है, इक्वल मैं आपको बोलती हूँ, इक्वल टू जो इक्वल साइन यहाँ पे दिया गया है, वो अगर सेम नंबर्स दिए गए होंगे, दो नंबर सेम दिए गए होंगे, फॉर एग्जांपल 90 यहाँ से भी 90 यहाँ से भी 90, उसका मतलब है वो दोनों सेम है, तो उसके बीच में इक्वल टू साइन आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, राइट द नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो हमें अब ये जो नंबर्स दिए गए हैं इनको हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। मतलब कि पहले सबसे छोटा लेना है, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर जो सबसे ज़्यादा बड़ा है। तो पहला पार्ट दिया गया है 95, 58, 56, 44। तो बच्चों यहाँ पे आपको लेना है पहले सबसे छोटा, इनमें आप देखिए ढूंढिए कौन सा नंबर है। तो सबसे छोटा जो नंबर है वो है 44, तो हम यहाँ पे 44 पहले लेंगे, फिर उससे थोड़ा बड़ा है 56, तो आएगा 56, उससे थोड़ा बड़ा 58, उससे थोड़ा बड़ा 95। ऐसे बी पार्ट में सबसे छोटा कौन सा है, यहाँ पे नंबर्स दिए गए 81, 69, 71, 70, तो सबसे छोटा जो है यहाँ पे वो है 69, तो आप यहाँ पे लेंगे 69, उससे थोड़ा बड़ा है 70, लेंगे 70, उससे बड़ा 71, उससे बड़ा 81। ऐसे ये दो पार्ट्स भी सेम है, आपको ऐसे ही करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, राइट द नंबर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब यहाँ पे कुछ नंबर्स है, इनको हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेना है। तो ऊपर हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर देखा, अब यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर। अगर हमें बच्चों ऊपर सबसे छोटा नंबर पहले लिया, तो यहाँ पे हम लेंगे सबसे बड़ा नंबर। तो यहाँ पे आप देखेंगे नंबर्स दिए गए हैं, पार्ट ए पहला
जो पार्ट है 21, 97, 64, 36, तो बच्चों ये हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो हम यहाँ पे जो सबसे बड़ा नंबर है तो हम वही लेंगे पहले। तो सबसे बड़ा नंबर जो है यहाँ पे वो है 97, उससे छोटा वो है 64, फिर उससे छोटा 36, फिर उससे छोटा 21, तो हो गया ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ऐसे ही पार्ट बी 82, 100, 79, 42, तो सबसे बड़ा जो इन सब में से बड़ा है वो है 100, तो हम सबसे पहले ये लेंगे क्योंकि हमें ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो उससे थोड़ा छोटा 82, फिर उससे छोटा 79, फिर उससे छोटा 42, ऐसे ही ये बाकी पार्ट्स करने हैं। Now, mental maths, state true or false. तो बच्चों यहाँ पे कुछ statements दिए गए हैं, हमें बताना है ये true है या false है। Part A है, the number between 74 and 76 is 75. यहाँ पे बताया गया है 74 and 76 के बीच में 75 आता है। तो हम देखेंगे क्या ये सही है या गलत। 74, 75, 76, तो हमने देखा 74 और 76 के बीच में 75 आता है, तो ये क्या है ट्रू। ऐसे ही द नंबर जस्ट बिफोर 96 इज 97, 96 से पहले इन्होंने बोला है 96 से पहले 97 आता है, ये फॉल्स है क्योंकि 96 से पहले 95 आता है, 96 के बाद 97 आता है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे ये फॉल्स स्टेटमेंट है। द नंबर जस्ट आफ्टर 89 इज 90, यहाँ पे बोला गया है 89 के बाद, आफ्टर यहाँ पे बोला है जस्ट आफ्टर 89 इज 90, 89 के बाद 90 आता है, तो बच्चों ये है ट्रू। द टू नंबर्स बिटवीन 63 एंड 66 आर 64 एंड 65, बच्चों बोला गया है 63 और 66 के बीच में 64 और 65 आता है। हम देखेंगे 63 के बाद आता है 64, फिर आता है 65, यही दो नंबर्स आते हैं, फिर आता है 66, तो इसका मतलब ये ट्रू है। इसके बाद है द नंबर 68, 69, 70 आर अरेंज्ड इन एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो बच्चों हम देखेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम सबसे पहले लिखते हैं जो सबसे बड़ा होता है, तो सबसे बड़ा यहाँ पे 70 है, ये पहले नहीं दिया गया है, ये बाद में लिया गया है। यहाँ पे है 68, 69, तो यहाँ पे पहले छोटा लिया गया है, उससे बड़ा, तो हम देखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। Thank you. Have a nice day.